एक माई यूट्यूब फैमिली आज हम लोग बनाएंगे एचआर कोस्ट, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को चाहिए तकरीबन पाव के करीब टमाटर, थोड़ा सा हम लोगों को चाहिए लहसुन अदरक। क्वांटिटी चेक करनी है आपकी, जितने करके अफराद और जितने के जी आपने बनाना उस हिसाब से। दो लेमन हम लोगों ने रखे हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 1 kg के करीब चिकन है। प्याज लिए हैं हम लोगों ने, ठीक है, जितना आप लोगों को मसाला रिक्वायर्ड है। वैसे मैंने प्याज लिए हैं तकरीबन 2 बड़े बस प्याज काटे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिए हैं ये मिर्चें, इसको कहते हैं फोकी मिर्चें। ये मिर्चें स्पेसिफिक जो होती हैं अचार पोश के लिए हम लोग इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि ये इतनी स्पाइसेस नहीं होती। और जैसे अचार कोश में हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो इसमें टेस्ट इन्हेंस हो जाए। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो ये सेंटर में से कटी हुई नहीं है, ठीक है। इनको सेंटर में से काट के इसके बीच निकाल के, ताकि इसकी करवाहट जो होगी ख़त्म हो जाए। और इसमें हम ऐड कर देंगे अचार कोश, इसके अलावा जो मसाले हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इसके एक स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आपको ईजी हो जाए। ओके, मैंने कहा मैं आपको दिखाती चलूँ कि हम लोगों ने इस तरह इसके बीज वगैरह निकाल के इसको क्लीन कर देना और फिर इसके अंदर फिलिंग कर देनी मसालों की। मसालों की अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मसाले क्या क्या ऐड होंगे ताकि आपको आसानी हो जाए। हम लोगों ने इसमें मसाले ऐड करने हैं, तो मसाले में हम लोगों को चाहिए हसबे जायका नमक और मिर्च, ठीक है। इसमें सूखा धनिया, नमक, मिर्च हम लोगों ने इसलिए कम डाली है नमक भी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शान का जो है अचार गोश्त मसाला यूज़ कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिलिंग करेंगे अपनी मिर्चों के अंदर, ठीक है। ओके जी, मिक्स कर दिया हम लोगों ने सब मसाला जात को। अब इसमें हम अपनी सब मिर्चों में ऐड करके बाकी जो मसाला बच जाएगा वो हम लोग अपनी हांडी के लिए यूज़ करेंगे। इस तरह की फिलिंग करेंगे, देखें अंदर इसमें कितने अच्छे तरीके से हो गया। और इसको करने से पहले इस तरह इसको झाड़ लेंगे ताकि जो मसाला गिरना हो एटलीस्ट इसी के ऊपर गिरे। बाकी मिर्चों की फिलिंग मैं आप करके नेक्स्ट वीडियो दिखाती हूँ आपको। ओके जी, इसमें पतीली रख दी है हम लोगों ने, तो इसके अंदर डालना है हम लोगों ने ऑयल, ठीक है। इतनी क्वान्टिटी में ऑयल इनफ है, अंदाजे के मुताबिक आप लोग जितना डालते हैं। अच्छा, और एक टिप है, अच्छा जी एक टिप है, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, देन हम लोग प्याज ऐड करेंगे। इससे ये होगा प्याज जो होगा ना ऑयल कम ऑब्जॉर्व करेगा और आपका जो प्याज होगा वो जल्द से जल्द ब्राउन हो जाएगा, उस पर टाइम नहीं लगेगा। इसलिए पहले अच्छे तरीके से ऑयल को आप गर्म करें, इसमें पकते ऑयल में ही हम लोगों ने प्याज डालना है। ओके जी, ऑयल पक गया, इसमें हम लोग डालेंगे अपना प्याज बनाओ, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से ब्राउन करना है आपने, डार्क ब्राउन लाइट। ओके जी, देखें प्याज की शक्ल कितनी अच्छी निकली है, लाइट ब्राउन करना। अब हम इसको निकाल देते हैं, इसको पीस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने क्या करना है इसको निकालने के बाद। ओके जी, अब इस ऑयल में हम लोग डाल देते हैं लहसुन। लहसुन पहले क्यों डालना है, लहसुन डालने का यूँ कि वो हल्का सा उसको फ्राई करेंगे हम लोग। और उसमें लहसुन की आज आपको टिप बताती हूँ, अक्सर हड्डियाँ पकाने के बाद लहसुन की स्मेल रह जाती है, वो फिर खाया नहीं जाता है, अब कहने के वो टेस्ट डेवलप नहीं होता। तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे लहसुन। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसको हम लोगों ने कर देना है लाइट ब्राउन। इसमें यह है कि इसमें स्मेल ख़त्म करने के लिए हम लोग इसमें डाल देंगे 2 बूंद पानी। जब इसमें हम लोग पानी डालेंगे तो इसको तकरीबन हम लोग 5 मिनट पकाएंगे तब तक इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको चलेंगे 5 मिनट के लिए पकाते हैं। ये टिप आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इसमें जब हम लोग लहसुन डालते हैं ऑयल में, फिर 5 मिनट के लिए अगर हम लोग पानी उसमें साथ ही ऐड करके पकाएँ, उसके बाद इसकी स्मेल
ख़त्म हो जाती है। ये देखें इसकी कितनी प्यारी शक्ल नज़र आ रही है लहसुन की। अब इसमें हम लोग बाकी अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। अदरक और जो हमारा प्याज था फ्राई हुआ, उसको हम लोगों ने कूट लिया अच्छे तरीके से। बाकी चीज़ें भी इसमें ऐड करते हैं हम लोग। प्याज को भी हम लोग इतनी जल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी फ्राई हो गए। अदरक को थोड़ा सा फ्राई होने देंगे हम लोग। अगेन इसको भी 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अच्छे तरीके से ये पकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने पकाया मसाला वगैरह डाल के चिकन ऐड करके इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। फिर इसके बाद देखें तो आपकी इसकी शक्ल कुछ इस तरह की नज़र आएगी, लाइट ब्राउन कलर की। इसमें हम लोग अपनी बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। पहले हम लोग डालेंगे कूटा हुआ प्याज। प्याज ऑलरेडी ब्राउन है, फिर इसमें हम लोग अपने टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर इसलिए ज़्यादा ऐड किए हैं हम लोगों ने क्योंकि अचानक से खट्टा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा लाइट हो जाए। ये इसकी शक्ल है। इसको मज़ीद हम लोग 5 से 10 मिनट पकाएंगे। ओके जी, ये मसाला जो हम लोगों ने डाला था टमाटर लहसुन प्याज जो पक रहे हैं, इसमें हम लोग अपना मसाला भी ऐड कर देंगे जो हम लोगों ने बनाया था। इसमें अब हम लोग चिकन को अच्छे तरीके से भूनते हैं। ओके, पहले ये अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के मसाला पक ले, उसके बाद हम लोग इसमें चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, ये देखिए मसाला हम लोगों ने भून लिया अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट और इसकी फाइनल शक्ल निकली आई। और अच्छा, और मसाला भूनने की एक ट्रिक होती है, जब मसाला अच्छे तरीके से पकते तो ऑयल ऊपर आ जाता है। जैसे कि आप देखें इसके ऊपर ऑयल आ गया। अब इसके अंदर हम लोग चिकन ऐड करके उसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। चिकन ऐड कर देते हैं इसमें और इसको अच्छे तरीके से हम लोग भून लेंगे ताकि इसमें भी जो कच्चा पन है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सर जी, मैं अच्छे तरीके से चिकन भून के इसको आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। हाँ देखिए जी, चिकन हम लोगों ने भून लिया और इसकी फाइनल शक्ल ये है। और ऑयल तक आ गया तो इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। हल्की आँच पर पकाइएगा। जब तक हमारा सालन पक रहा है, हम लोग जो हरी मिर्च रुपए हैं लेमन ऐड कर देंगे 2। ठीक है, तो लेमन ऐड करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसको हम लोग 10-15 मिनट के लिए लेमन की ही पानी में डुबो के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग घंटिया के ऊपर डाल देंगे यानी कि दम में रखेंगे। ओके जी, अभी इसको हम लोगों ने रख दिया है। मिर्चों की बहुत प्यारी सी फ्रेगनेंस आ रही है उसमें जो लेमन डाला हुआ था। ये इसकी फाइनल लुक है। और इसमें अब हम लोग गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और प्रेजेंट कर देंगे। ओके जी, ये इसकी फाइनल लुक है। इसको प्रेजेंट करें, गर्म गर्म रोटी के साथ खाएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट कोई वीडियो चाहिए होगी वो भी काइंडली मुझे लास्ट में बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।